हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम BSc फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में जो कैनोनिकल फॉर्म चल रही थी ऑफ मैट्रिक्स की, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में I3 के रूप में डिफाइन कर रहे थे, यानी I3 ठीक है, 0 0 0 इस टाइप्स के इक्वेशन शो कर रहे थे, I2 IR 0। इन्हीं पर बेस्ड आज हम कुछ अदर एग्जाम्पल लेंगे और उनको सॉल्व आउट करेंगे। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर ज़रूर से करने हैं और ध्यान से करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करें। एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इट्स इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि ये लगभग I3 0 के रूप में आएगा और हम इसे शो करेंगे। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म में आप इसको याद रखना, हम इस टाइप से शो करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। ये I3R के रूप में होगा, I3 0 के रूप में, ठीक है, I3 0 के रूप में होगा। सबसे ज़्यादा इजी फॉर्म यही होगी, इसके बाद अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर सकते हो, I2 तक बना सकते हो, लेकिन हम पहले यहाँ तक देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करें, पहली स्टेप यहाँ 1 है ही, तो A मान लो इसको 1 1 1 2 2 3 0 1 -2 -1 -1 -1। अब कैनोनिकल फॉर्म में क्या करें हम, आप ये कर सकते हो क्या, 1 -1 एड, मतलब कॉलम है C2 3 -1, C2 3 -1 करोगे, ठीक है, और C4 में ऐसा कर दो, C4 कॉलम में 1 -2 -2 का मल्टीप्लाई करके इतना स्टेप कर दें। तो देखना C1 और C2 में करा ना, अब देखिए 1 2 -2। अब देखिए यहाँ C2 1 -1 0, 3 एज इट इज, -1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 +1 0, ठीक है। C3 में हमने कुछ नहीं किया, तो 1 0 -1, यहाँ C4 में किया 2 -2 0, ठीक है, 1 -4 1 -4, यानी 1 -4 होगा -3, -1 और -1 और -1 is +4 + 3, ठीक है। अब यहां पर और कुछ जीरो हो रहा है तो हम उसको जीरो बनाएंगे, और जो वन हो रहा है उसको वन बनाएंगे। अब यहां पर जीरो हमें बनाना है, तो हम क्या करें, ये रो है आपस में जोड़ दें, लेकिन यहाँ -1 हो जाएगा, तो इसको हम पहले जीरो बनाएं, और इसको जीरो बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं हम, इसमें
थ्री, और बेसिकली अगर हम थ्री और थ्री को जोड़ दें यहाँ, इसको हमें जीरो बना दें इसको, ठीक है? तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, सी फोर डिवाइडेड बाई 1/3, सी फोर में डिवाइड दे दो 1/3 का, और इसके साथ में सी फोर में 1/3 का डिवाइड दे दो, और यहाँ कर सकते हैं ये जीरो हो जाएगा अगर हम सॉल्व आउट कर रहे हैं इसको, जीरो बनाना है तो 1 माइनस 1, यानी कि ये कर दो सी थ्री 1 माइनस 1, सी थ्री 1 माइनस 1, तो ये आएगा 1 2 माइनस 2, 0 3 0 और 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2, माइनस टू आ गया, और माइनस वन, माइनस वन और प्लस टू, प्लस वन आ गया, 0 माइनस 1 1, ठीक है? अब हमारे पास जो जीरो हो सकता है हम उसे पहले जीरो कर दें। तो जीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, 1 3, इसको हम पहले जीरो बना दें, इसको हम जीरो बनाएंगे, तो अगर आप रो से बना सकते हो तो रो से बना दो, वरना रो से नहीं बने तो कॉलम से बना दो। कॉलम से बना देंगे लिए आप 2 माइनस 2 2 माइनस 1, यानी अगर हम दो को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, हाँ नहीं, फिर हमारे पास वो 2 बच जाएगा और फिर वो वापस जीरो नहीं होगा। अब इसमें कर दो आप, ये कर सकते हो आप इसमें R2 3 1, R2 3 1, 1 0 0 0 और 2 प्लस 2 0, 3, ठीक है? -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 और -1 प्लस 1 0, यहाँ आ गया -2 0 1 1। अब इसको जीरो बनाना है ना, इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए और इसको हमें जीरो बनाना है, तो आप सबसे पहले इसको जीरो बनाएं, इसको जीरो बनाओगे तो इसको जीरो कैसे बनाओगे, R 3 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? तो आएगा 1 0 0 0 0 3 -1 0 -2 प्लस 2 0, 0 1 1। यहाँ अब यहाँ देखिए और क्या हो सकता है, इसको हम जीरो बना दें, ठीक है? और इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाना है, यानी कि अब इसमें एकदम इजी हो गया। अब तो ये C3 2 मल्टीप्लाई C3 2, और 2 में डिवाइड दे दो आप 1/3 का, ये लिख दो C2, तो ये आएगा 1 0 0 3 0 0। अब देखना डिवाइड में लिखा दिया ना, 2 के डिवाइड में दे दो, सी कॉलम में 3 का डिवाइड 0 हो गया, यहाँ 3 का डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 0 और यहाँ 1 रह गया। अब ये आ गया 0 0 1 हो गया। अब काम करेंगे, अब हम क्या करें इसमें, 3 चीज़ें कर सकते हैं हम। एक तो आप कर दो R2 या C2, चलो C2 कर देते हैं हम, C2 डिवाइड बाई 1/3 और C4 3 -1,
तो ये आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। तो ये कितने, अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, 2 बाई 2 के रूप में नहीं आएगा, इसलिए आप इसे मत सॉल्व आउट करें। तो ये आपका आ गया किस में, i3 0 के रूप में, ये कैनोनिकल फॉर्म हो गई और ये आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के रूप में आ गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए अगला एग्जाम्पल है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द नॉर्मल फॉर्म इन द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। रैंक फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 0 4 2 1 0 1 2 2 3 -2 6 1। अब देखिए कैनोनिकल फॉर्म में तो हम चेंज करेंगे, ये आई टू ऑर्डर के बनेंगे और हमें कोशिश करना है आई टू ऑर्डर की या आई वन ऑर्डर की बनाओ, आई थ्री ऑर्डर की मत बनाओ, यानी कि यहाँ पर वन मंथ बनाओ, इसको जीरो में बना दो, यहाँ तक की सॉल्व आउट कर लो। क्यों? क्योंकि रैंक ज़्यादातर हमारे पास दो ही रहती है, यानी छोटी से छोटी रहती है, तो हम लगभग दो के करीब रहती है अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो वही करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑर्डर में बचेगा, जैसे मान लो 1 0 0 1 0 0 और 0 0 0 0 0 0 ये बने, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा आई टू 0 0 के रूप में होगा ना, आई टू 0 0 के रूप में होगा, तो आई टू 0 0 के रूप में होगा, तो ये जो आई का ऑर्डर आर है, तो आई का ऑर्डर कितना है, 2 है, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, रो ए से, वो वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 2 आ जाती है। अब हम इसे ही सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए सॉल्व आउट करते हैं। हमें क्या बनानी है, आई टू मतलब कि 1 1 ये बनानी है, ये याद रखना। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, इसे ए मान लूं मैं, 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1। अब क्या कर दो, एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, तो आप कॉलम को इंटरचेंज कर दो। क्यों? कॉलम है ना, यहाँ 1 हो जाएगा डायरेक्टली, तो एक झंझट खत्म हो जाएगा आपके पास में, कॉलम C12।
C1 को 2 से इंटरचेंज किया तो ये आ गया 101 04 2 22 और यहाँ भी कुछ कर दे तो हम क्या कर दें यहाँ थर्ड कॉलम में आप ऐड कर दो C4 3 1 ठीक है तो ये जीरो हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा ये 2 2 3 और 0 6 plus 2 8 1 plus 3 4 अब देखिए अब हमारे पास हम इसे वन बनाना है ध्यान रखना इसे वन बनाना है और इसे वन बनाना है यानी कि हमें कुछ करना पड़ेगा यानी कि 4 का डिवाइड देने के लिए हमें पहले इसको 0 बनाएं तो 0 बनाएं और इसको भी 0 बनाएं तो क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए आप 0 माइनस 4 करेंगे वो नहीं होगा और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि इसको 0 बनाओ आप पहले अब करो आप C3 कॉलम 1 माइनस 2 ठीक है अब इनको 0 और बनाना है तो इनको 0 बनाने के लिए C3 कॉलम C3 और 1 का हो रहा है ना तो आप करो C4 2 माइनस 2 C4 2 माइनस 2 अब कॉलम है ना तो देखिए C3 कॉलम में तो C1 और 2 में चेंज नहीं है तो 1 और 2 है जैसे जो उतार दो 0 4 1 2 C3 कॉलम में 2 माइनस 2 0 2 आ गया 3 माइनस 2 1 आ गया यहाँ में 1 चाहिए था और अगला आ गया 0 8 माइनस 4 टू जै 8 8 माइनस 8 0 और 2 टू जै 4 0 ये तो 0 हो गया ठीक है अब यहाँ देखिए और क्या कैंसिल आउट हो जाता है वो हम करेंगे अब हम रो अगर हम रो माइनस कर दें 0 हो जाएगा 2 का डिवाइड और दे दो R2 में 1/2 कर दो 2 2 जा 4 दो भी तो भी आपके पास 2 रह जाएगा और 2 माइनस 2 0 माइनस 1 और R3 में 3 में आप कर दो R3 1 माइनस 1 ठीक है ये आएगा 1 0 0 0 0 R2 में डिवाइड दिया 2 का 1 0 और 1 माइनस 1 0 2 1 0 ठीक है अब इसको 0 बनाना है तो 0 बनाओगे तो कैसे बनाओगे एकदम इजी है R3 2 माइनस 1 1 0 0 0 0 2 अगर आप सोचो कि इसको 0 बना दे तो कैसे बनाओगे इस अकेले को 0 नहीं बना सकते हम क्यों क्योंकि या तो ये मतलब कि है ना ये 0 होता तो बन जाता बाकी ये 0 नहीं है इसलिए नहीं बनेगा इसलिए 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी यानी I2 की वैल्यू आएगी यहाँ ये 1 0 I3 0 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 0 अब केवल आपको एक कंडीशन करनी है वो है कॉलम C2 3 माइनस 1 यह आ गया 1 0 0 0 अब 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना आप सोचोगे कि डायरेक्ट हम काट दें नहीं 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना 0 1 और 1 0 0 0 0 ठीक है अब आप इसको हटा दो क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बनानी है इसको हटाने के लिए अब आप कर दो कॉलम C3 2 माइनस 1 यहाँ हमने 2 माइनस 1 ठीक है ये आ गया 1 0 0 0
01 00 00 00. अब ये किसके ऑर्डर की बनी? I2 00 I2 00 00. यानी कि ऑर्डर आई का क्या है? ऑर्डर ऑफ आई यानी 2, देन यही रैंक कहलाएगी. देन इट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो दैट इज रो ए इक्वल कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया. ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले. तो ये थे आज के हमारे कुछ एग्जांपल्स. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जांपल और अदर चीज़ें पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.